हाय स्टूडेंट्स, तो अब लेकर के हम आ गए प्रतिरोधकों का सम्मोहन। बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट, जिसका बेसिक आज कॉन्सेप्ट चलेगा। आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिरोधकों का सम्मोहन। ऐसे प्रतिरोधों का सम्मोहन लिखा रहता है बुक में, लेकिन एक्चुअली प्रतिरोधक का सम्मोहन होता है। जैसे ये दोनों प्रतिरोधक है, जब हम कलर कोड बदला रहे थे आपको, है ना, कलर कोड उस समय दिखलाए थे ये कि प्रतिरोधकों का प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। ये प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध कुछ न कुछ होगा, ये प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध कुछ न कुछ होगा। ओके, तो ये अगर हम एक लाइन से जोड़ दें, एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे के साथ जोड़ दें तो श्रेणी क्रम, और अगर दोनों को दो निश्चित बिंदुओं के बीच जोड़ दिया जाए तो समानांतर क्रम। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो दो निश्चित बिंदुओं के बीच जोड़ा जाए तो समानांतर क्रम, और अगर एक लाइन से जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम। ओके, हाँ, तो कहने का मतलब बच्चों कि आज हम जानने जा रहे हैं प्रतिरोधकों का सम्मोहन। तो एक्चुअली प्रतिरोधक का सम्मोहन होता है, तो प्रतिरोधक है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा ही होगा। बहुत अच्छी बात है। तो प्रतिरोधकों का सम्मोहन, सम्मोहन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में प्रतिरोधक का सम्मोहन हुआ, तो ये प्रतिरोधक जो होते हैं, बहुत सारे प्रतिरोधक जैसे बल्ब है, तो बल्ब का अगर बात किया जाए, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चों, जैसे हम उसी को प्रतिरोधक जिसको उबड़ खाबड़ रास्ता के रूप में दिखा देते हैं। मान लो 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, धारा का प्रवाह हो रहा है। तो मान लो, देखो बच्चों, श्रेणी क्रम अभी तुरंत लाने जा रहे हैं कि RS बराबर होता है, ये आज का लेक्चर जो है 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, यही चीज 10th में भी पढ़ना है सेम चीज। तो आज बेसिक है, आज का लेक्चर आराम से 10th के लिए कहा जा सकता है, 12th के लिए भी है ना। तो ध्यान दो बच्चों, और आज के ही कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे जितना सारे क्वेश्चन बनाएंगे वो आज के ही कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, ध्यान से सीखते रहो। तो अभी तुरंत हम प्रूफ करने जा रहे हैं RS बराबर R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम के लिए। R1 प्लस R2 2 प्लस 3 बराबर 5 ओम, तो भी बराबर I R ओम के नियम से। अब बताओ बच्चों, भी है 10 वोल्ट, I इंटू R है 5, तो धारा का प्रवाह 2 एम्पियर। अब देखो हम क्या यहां सिखाने जा रहे हैं। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि सर ये 2 ओम और ये 3 ओम, तो ये कम रुकावट डालेगा, ये ज्यादा रुकावट डालेगा, तो यहां जहां धारा का प्रवाह ज्यादा होना चाहिए, यहां कम होना चाहिए। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बार बार जब मैं पढ़ाता हूं, स्टार्ट करता हूं ये टॉपिक, बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर ये 2 ओम वाला में धारा का प्रवाह ज्यादा ना होगा, प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम ना सर। बाबू, यहां ये समझो कि धारा का प्रवाह इतना तेजी से होता है परिपथ में, इतना जल्दी धारा का प्रवाह होता है, जैसे स्विच ऑन करो तो 2 ओम और 3 ओम, मान लो बल्ब है एक 2 ओम का एक 3 ओम का, एग्जांपल मान लिए, तो एक बल्ब है 2 ओम का, एक बल्ब है 3 ओम का। अब देखो, जैसे ही इसको कोरिलेट करके समझाएंगे, आज के बाद ये कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। ये बल्ब है, ये भी बल्ब है ना, और दोनों बल्ब का अगर बात किया जाए तो स्विच जैसे ही हमने ऑन कर दिया, मान लिया हमने स्विच लगाया, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम का बल्ब, ये 3 ओम का, एग्जांपल समझने के लिए 2 ओम 3 ओम का बल्ब ले लिया। अब बताओ बच्चों, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो क्या लगता है, दोनों बल्ब बारी बारी से जलता है, एक साथ जलता है, बारी बारी से नहीं जलता है। अगर दोनों बल्ब एक साथ जल रहा है, इसका मतलब ये कि धारा का प्रवाह दोनों में एकदम तेजी से एक साथ हो रहा है। अरे वाह, यानी इतना कम समय लग रहा है दोनों में धारा का प्रवाह होने में, इतना कम तेजी से धारा का प्रवाह तुरंत हो गया, बहुत 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 कम समय लगा, माइक्रोसेकंड से भी कम समय। अब सोचो बच्चों, हम लोग एक सेकंड बीत गया, हाँ कोई दौड़ रहा है, हाँ, और हम बस देखते रह गए, बहुत स्पीड में कोई दौड़ रहा है, बस देखते रह गए, पार हो गया, हमको लिमिट दिया हुआ है, लिमिटेशन दिया हुआ है कि इसके बीच ही तुमको देखना है, तो बस यहां से यहां नजर घुमाएं और तब तक वो पार हो गया।
और सोचो बच्चों, यहाँ पर भी धारा का प्रवाह बहुत तेजी से हो रहा है परिपथ में, यानी कहने का मतलब कि यहाँ दोनों का समतुल्य जो प्रतिरोध होगा 5 ओम, उसके कारण धारा का प्रवाह में प्रभाव पड़ेगा, रुकावट पैदा होगा, यानी दोनों के कारण, यानी 3 और 2 5 ओम, तो 5 ओम के कारण 2 एम्पियर धारा, तो दोनों के समतुल्य प्रभाव के कारण धारा का प्रवाह हो रहा है 2 एम्पियर, ना कि एक के कारण, यानी दोनों के समतुल्य मान के कारण, यानी दोनों रुकावट हम लोग एक साथ कंसीडर करेंगे क्यों, ये दोनों रुकावट एक साथ हम लोग मान लेंगे क्यों, क्योंकि दोनों से धारा का प्रवाह एक ही साथ लगभग हो रहा है, यानी कि परिपथ में इतना तेजी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, जिसको हम परंपरागत धारा मानते थे बच्चों। तो धारा का प्रवाह जब हो रहा है तो इतना तेजी से हो रहा है कि लग रहा है कि दोनों में एक ही साथ धारा का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि बल्ब स्विच ऑन करते हैं 2 ओम और 3 ओम दोनों वाला बल्ब एक साथ जलेगा, यानी दोनों में धारा का प्रवाह एक ही साथ हो रहा है, यानी दोनों का समतुल्य प्रभाव एक साथ पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि परिपथ से धारा का प्रवाह जो होगा वो दोनों के समतुल्य प्रभाव के कारण होगा। वाह, यानी कि धारा 2 एम्पियर, यानी दोनों से 2 एम्पियर। वाह, अब ये मत सोचना कि कम वाला से ज्यादा, ज्यादा वाला से कम, दोनों के का प्रभाव एक साथ परिणामी, और इस प्रकार धारा का प्रवाह जो हुआ वो 2 एम्पियर हुआ। फीलिंग आया होगा अच्छे से जल्दी। तो आइए, ऐसा ही होता है बच्चों, स्विच ऑन से समझ लो कि स्विच ऑन करते हैं तो दोनों से धारा का प्रवाह एक साथ, यानी दोनों का समतुल्य प्रभाव लेंगे कि अकेला, ना कि सर 2 ओम वाला से धारा ज्यादा और 3 ओम वाला से कम, ऐसा नहीं है। प्रतिरोध कम है सर तो धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा है धारा का प्रवाह कम होगा, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ श्रेणी क्रम में है तो दोनों में प्रभाव एक साथ, राइट। चलो, तो प्रतिरोधकों का समूहन, यानी आराम से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आराम से आप समझ सकते हैं कि बस बोलेंगे, बहुत सारा सेंटेंस हम नहीं लिखते हैं, टाइम बिना मतलब का वेस्ट होगा, क्योंकि आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में, श्रेणी मतलब क्या, कि एक का अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरे के साथ तथा इसी प्रकार अन्य, हाँ, दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के प्रारंभिक सिरे के साथ, श्रेणी हो गया एक लाइन से, हाँ, यानी धारा का प्रवाह सब में समान होगा, अभी क्लियर करेंगे। समानांतर मतलब क्या, कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक दो निश्चित बिंदुओं के बीच, अभी तुरंत समझाए हैं कि अगर ऐसा है तो ये श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, हाँ, एक लाइन से, पहले का अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरे के साथ, या दोनों दो निश्चित बिंदुओं के बीच जुड़े हैं तो समानांतर क्रम, समानांतर क्रम, राइट। अब देखो बच्चों, अगर श्रेणी और समानांतर मिल गया तो ये हो गया मिश्रित, मिश्रित, मिश्री, हाँ, चीनी और धागा का कॉम्बिनेशन मिश्री हो जाता है, तो श्रेणी और समानांतर का कॉम्बिनेशन मिश्रित हो गया। सोचो बच्चों, जब एक लाइन से जुड़ा हो श्रेणी, जब दो निश्चित बिंदुओं के बीच तो समानांतर, और श्रेणी समानांतर का जो मिश्रण होता है वो मिश्रित, हाँ, प्रतिरोधों का मिश्रित क्रम समूहन होता है। तो क्या हो गया प्रतिरोधकों का समूहन, कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक या तो श्रेणी क्रम में या तो समानांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में जुड़े हों, प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। क्लियर हो गया। चलो अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन पे, इसी में लिख देते हैं प्रतिरोधकों का पहला नंबर बच्चों, मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं श्रेणी और समानांतर, क्योंकि श्रेणी समांतर जब मिल जाएगा तो मिश्रित हो ही जाएगा, तो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन, वाह, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो प्रतिरोधक का समूहन होता है जिसका प्रतिरोध का मान कुछ आता है, ये प्रतिरोधक है, मान लो इसका प्रतिरोध है 10 ओम, तो ये प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध है 10 ओम, तो प्रतिरोधकों का समूहन होता है जिसमें प्रतिरोध का समतुल्य कुछ मान आता है। क्लियर। अब देखो बच्चों, तो इसमें क्या लिखेंगे, डेफिनेशन तो सिंपल, कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है, या जब, ध्यान देना बच्चों, दो डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, या जब एक प्रतिरोधक के अंतिम सिरे को
दूसरे प्रतिरोधक के प्रारंभिक सिरे के साथ, क्लियर, और कहां गया, और कहां गया, या ध्यान दो और कनेक्ट करें बच्चों, या दूसरे के अंतिम सिरे को तीसरे के प्रारंभिक सिरे के साथ, हाँ देखो बच्चों, देखो तीन प्रतिरोधक है, देखो तो इस तरह से अगर समूहन करेंगे तो श्रेणी क्रम समूहन कहलाएगा। तो कहने का मतलब कि जब एक प्रतिरोधक के अंतिम सिरे को दूसरे के प्रारंभिक सिरे के साथ तथा तीसरे के प्रारंभिक सिरे को दूसरे के अंतिम सिरे के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के समूहन को प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। याद हो गया होगा, पहले का अंतिम, दूसरे का प्रारंभिक, दूसरे का अंतिम, तीसरे का प्रारंभिक, श्रेणी क्रम समूहन। अब देखिए, अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं बहुत सारे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध हम लोग याद करने जा रहे हैं बच्चों। तो हम मान लेते हैं एन प्रतिरोधक बहुत सारे जुड़े हैं, एन प्रतिरोधक, यहां पे एक बैटरी है वी वोल्ट का, हाँ बैटरी जोड़ेंगे तो बड़ा अच्छा फीलिंग आएगा बच्चों, डॉट डॉट आर एन तक एन प्रतिरोधक जुड़े हैं, ओके। अब बताओ बच्चों, जैसे ही हम बैटरी को जोड़ेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह, परंपरागत धारा का प्रवाह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है, धन से ऋण की ओर होता है। अब बताइए बच्चों, विद्युत धारा का प्रवाह मतलब धन आवेश का प्रवाह। अब जरा सा सोचो कि जैसे ही एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है तो धारा का प्रवाह एक ही रास्ते से होगा, हाँ। अब जब एक ही रास्ते से धारा का प्रवाह होने जा रहा है बच्चों, तो जरा सा सोचिए कि सभी में धारा का प्रवाह, सभी प्रतिरोधकों में धारा का प्रवाह आई होगा। और अभी हम तुरंत बताए हैं कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो दो बल्ब एक साथ जलेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे सभी बल्ब एक साथ जलेंगे, यानी सभी प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रभाव एक बार पड़ेगा, यानी धारा का प्रवाह कोई निश्चित होगा। अरे वाह, अब सोचो जैसे ही धारा का प्रवाह होगा तो सभी बल्ब जलेंगे, सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। तो बताइए, इसके सिरों के बीच विभवांतर भी V1, दूसरे के सिरों के बीच विभवांतर V2, तीसरे के सिरों के बीच विभवांतर V3, डॉट डॉट nवें के सिरों के बीच विभवांतर Vn। हमारे पास मान लो 1000 रुपया है, तो किसी को दिए 100 रुपया, किसी को 80 रुपया, किसी को 70 रुपया, डॉट 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 किसी को 20 रुपया, और सबको जोड़ने के बाद हो गया हमारे पास कितना, 1000 रुपया। यानी कहने का मतलब बच्चों कि मेरे पास 1000 था जिसको हमने बांट दिया अलग अलग लोगों में। सोचो, यानी कहने का मतलब कि इस परिपथ से धारा का प्रवाह तो समान होगा, यानी आई तो समान होगा सब में, लेकिन विभवांतर सभी के सिरों के बीच क्या होगा, अलग अलग, विभवांतर अलग अलग होगा। कब, अभी प्रतिरोधक अलग अलग ले रहे हैं, बस समान रहेगा, अब सब प्रतिरोधक का प्रतिरोध समान रहेगा तब तो भी बराबर है, सब समान हो जाएगा। लेकिन हम लोग प्रतिरोधक अलग अलग लेकर के सोचते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि समान लेकर के सोचेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर नहीं होगा, है ना। इसीलिए हम लोग अलग अलग लेके चलते हैं, जो सच में समान होने वाला है उसको समान ले लिए। जैसे धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसमें धारा आई का प्रवाह हो रहा है बच्चों, तो सभी में धारा आई जा रहा है, ये तो कंफर्म है कि धारा आई ही जाएगा सब में, श्रेणी क्रम में एक रास्ता, सब में धारा समान। लेकिन यहां प्रतिरोधक का प्रतिरोध अलग अलग, तो सिरों के बीच विभवांतर भी अलग अलग, उनका नियम हम जानते हैं। अब जरा सा सोचो कि प्रतिरोधक अलग तो V1 बराबर IR1, तो विभवांतर अलग अलग, V1 V2 V3 डॉटर VN। तो क्या लिखेंगे इसका थ्योरी, कि भी विभवांतर के बैटरी के साथ परिपथ में श्रेणी क्रम में क्रमशः R1, R2 डॉट RN प्रतिरोधकों को जोड़ दिया गया है जिनसे समान विद्युत धारा I का प्रवाह होता है, और सभी के भी सिरों के बीच विभवांतर क्रम से V1 V2 V3 डॉट VN। ये थ्योरी आप आराम से समझ सकते हैं, नो टेंशन। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, भी विभवांतर के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में R1, R2, R3, RN प्रतिरोध के प्रतिरोधकों को क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान है, तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, VN है। आराम से लिख लेंगे। तो बताइए बच्चों कि अगर हमको समतुल्य निकालना है, यानी कि समतुल्य का बात करेंगे सभी प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का, तो हम इसके जगह पर एक बाहुबली का बात करेंगे। बाहुबली मतलब अकेला, जो कि सबके बदले अकेला प्रभाव डाल रहा है, यानी सभी प्रतिरोधकों का समतुल्य श्रेणी क्रम में है, तो S लिख दिया, RS, धारा का प्रवाह I,
प्लस से माइनस की ओर, बैटरी के प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है और धारा आई जा रहा है। बहुत सारे जुड़े हुए थे प्रतिरोधक, तो भी बैटरी वही था तो धारा वही, तो उस सभी के बदले अकेला प्रतिरोधक तो बैटरी वही तो धारा वही। क्लियर? अब बताइए बच्चों, इसके लिए क्या हो जाएगा? वी बराबर आई आर हो जाएगा। चलो समीकरण एक, जल्दी बोलो, वी बराबर आई आर समीकरण एक। तो आप जल्दी से इसको पहले लिख लीजिए, जल्दी फास्ट। अब देखो बच्चों, इसको याद रखना, वी बराबर आई आर एस हुआ है। अब देखो, अब सभी के बदले अलग अलग, तो पहले प्रतिरोधक के लिए वी वन हो जाएगा क्या? तो आई आर वन। दूसरे के लिए V2 क्या हो जाएगा? तो IR2। I तो वही है, अरे V1 बराबर IR1, ओम के नियम से V बराबर IR, तो V1 बराबर IR1, दूसरे के लिए V2 बराबर IR2, तीसरे के लिए V3 बराबर IR3, इनमें के लिए VN बराबर IRN होगा कि नहीं होगा? तो बताओ बच्चों, V3 बराबर IR3 डॉट डॉट VN बराबर IRN। समतुल्य मतलब बाहुबली, सब के बदले हम यहाँ पे लाए थे, याद करो समतुल्य जो आया था भी बराबर आई आर एस आया था बच्चों। अरे याद करो, सभी प्रतिरोधकों के बदले अकेला बाहुबली, सभी प्रतिरोधकों के बदले अकेला बाहुबली मान लिया। बाहुबली साहब बहुत पावरफुल पर्सन थे। तो बताइए बच्चों की सभी के बदले अकेला यानी आर एस श्रेणी में है तो आर एस, तो बताइए भी बराबर, अभी जस्ट लाए हैं, भी बराबर आई इंटू आर, आर मतलब समतुल्य आर एस। क्लियर? अब बताओ पहले के लिए अगर श्रेणी क्रम धारा का प्रवाह समान, याद रखना है, दिमाग में सेट रखना है बच्चों कि धारा का प्रवाह समान होगा सभी से, एकदम दिमाग में सेट रखना है। दिखाई भी दे रहा होगा कि एक रास्ता होगा तो धारा खींच जाएगा। अब बताओ भी वन बराबर आई आर वन, भी टू बराबर आई आर टू, भी थ्री बराबर आई आर थ्री और भी एन बराबर आई आर एन, सब में धारा आई जा रहा है। अब बताओ सब का अगर हम अनुपात निकाल लें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, भी वन अनुपात, भी टू अनुपात, भी थ्री अनुपात डॉट डॉट अनुपात भी एन, तो बताइए आई आर वन अनुपात, आई आर टू अनुपात, आई आर थ्री डॉट डॉट अनुपात आई आर एन। तब देखना बच्चों, संधारित्र में जो हम पढ़ाए हैं तुमको उसका जस्ट उल्टा सूत्र आने जा रहा है। वाह रे वाह। तो बताओ सब कॉमन जो हो कट जाएगा, यानी R1 अनुपात, R2 अनुपात, R3 डॉट डॉट अनुपात Rn। तो बताइए बच्चों यहां से क्या सीखने को मिला कि V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3, VN IRN है, जिसमें V1 अनुपात, V2 अनुपात, V3 डॉट डॉट VN निकालेंगे तो प्रतिरोधकों के अनुपात के बराबर होगा। सही बात है, धारा समान है, जब धारा समान है तो धारा सब में कट जाएगा, तो V का अनुपात R के अनुपात के बराबर होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं शॉर्ट में कि V बराबर आई आर होता है अगर I नियत है, I अगर सब में समान है नियत है तो V समानुपाती R होगा। कॉमन सेंस, अगर I नियत है तो V समानुपाती R होगा। बोलो अब बताओ बच्चों, यहां से हम लोग को पता चला कि विभवांतर सभी के सिरों के बीच प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के समानुपाती होगा। ओके, तो जल्दी से पहले यहां तक आइए जल्दी। अब देखो, अब यहां के बाद बताओ, जितना हमारे पास 1000 रुपया था वो सब में बांटे थे, तो जो है वो सब के योगफल के बराबर होगा। तो भी बराबर होगा भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री प्लस डॉट डॉट भी एन, होगा कि नहीं होगा? अब बताओ भी जो है वो कितना है, तो आई आर एस, और भी वन तो आई आर वन, भी टू आई आर टू, भी थ्री आई आर थ्री डॉट डॉट भी एन आई आर एन, राइट? आई कॉमन ले लेंगे तो आई आर एस, आई बाहर आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट आर एन, आई से आई कट गया तो आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट आर एन। वाह। और जनरली हम लोग दो प्रतिरोधक का बात करेंगे तो आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, तीन के लिए आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, एन के लिए आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट आर एन। क्लियर? जल्दी से उतारो, एक बार में क्लियर हो गया होगा। सबका मान रख दिए, जितना ये जाए वोल्टेज है, जितना भी विभवांतर है वही सबके सिरों के विभवांतर के बराबर होगा। अरे बोलो, जितना ये दिया उतना ही ना सभी के सिरों के बीच होगा विभवांतर, यानी सबको जोड़ दो जल्दी जल्दी फास्ट।
तो भी ला चुके थे IRS और भीवन भी डूबी थे, सब सामने है, पुट कर दिए जल्दी। और अगर सभी प्रतिरोधकों का प्रतिरोध समान रहेगा तब क्या होगा बच्चों, जरा देख लो। अगर सभी प्रतिरोधकों का प्रतिरोध समान हो गया तो क्या होगा जरा देखिए। तो RS बराबर सभी का प्रतिरोध समान R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN कहां तक, N तक, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN लिख रहे हैं तो पता चल रहा था कि N तक है, लेकिन R प्लस R प्लस R डॉट डॉट R लिख रहे हैं तो लिखना पड़ेगा कि कहां तक, तो N तक। तो बताइए दो ठो को जोड़ेंगे तो 2R होगा, 3 को जोड़ेंगे 3R होगा, N को जोड़ेंगे NR होगा। बहुत काम देगा आगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हम लोग बात किए श्रेणी क्रम समूहन का, किसका, श्रेणी क्रम समूहन का। अब हम लोग आते हैं समानांतर क्रम समूहन पे, जल्दी जल्दी। अब देखिए बच्चों श्रेणी क्रम में धारा समान लेकिन विभवांतर अलग अलग। हाँ प्रतिरोधक अलग अलग लेके चलेंगे तो ज्यादा फील आएगा, इसलिए प्रतिरोधक को अलग अलग लेके चले थे और लास्ट में बराबर कर दी। चलो अब देखो नंबर टू, प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बोलिए रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस होता है, अभी तुरंत फील आएगा देखो ना। अब बताओ बच्चों समझ में आ गया होगा कि ये रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कुछ न कुछ होगा। अब देखिए अब हम प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन का बात करेंगे तो बहुत सारे प्रतिरोधक हैं जो समानांतर क्रम में जुड़े हैं। थ्योरी में कैसे लिखेंगे थोड़ा सा समझा देते हैं बच्चों। ऐसे ऐसे n प्रतिरोधक हैं बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो ज्यादा फील आएगा। अब देखिए कौन समान कौन नियत, कौन समान कौन परिवर्तित बदलने वाला। अब आप बताओ बच्चों कि भी यहां पर सिरों के बीच विभवांतर भी है तो इसके सिरों के बीच भी होगा, इसके सिरों के बीच भी होगा, इसके सिरों, यानी अब सभी के सिरों के बीच विभवांतर भी होगा। क्यों, क्योंकि सभी समानांतर क्रम में जुड़े हैं भी वोल्ट के बैटरी के साथ। फील करो फील करो, जैसे ही भी वोल्ट के बैटरी के साथ सभी समानांतर क्रम में जुड़े हैं बच्चों तो सभी के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि देखो इसके सिरों के विभवांतर उतना ही, 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 सभी के सिरों के विभवांतर उतना ही होगा कि नहीं होगा। तो ये R1 R2 R3 RN, अच्छा ये भी सभी भी होंगे, क्यों, क्योंकि समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो सभी के सिरों के बीच भी विभवांतर भी होगा। अरे वाह ये तो बहुत खुशी की बात है, यानी समानांतर क्रम में भी नियत हो जाएगा लेकिन आई अलग अलग होगा। अलग अलग कैसे, देखने में एकदम पता चलेगा तुमको, भी नियत लेकिन धारा अलग अलग। सोचो धारा गया यहां से, मान लो 10 लोग जा रहे थे, हाँ इधर से चला गया 4 लोग I1, इधर चला गया 2 लोग, इधर चला गया 3 लोग, इधर चला गया एक IN मान लिए, RN है तो डॉट 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 N तक। फिल करो बच्चों ध्यान दो। और सभी के बदले बाहुबली पहले लिख लेते हैं तो सभी जितने सारे प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं उन सभी के बदले अकेला बाहुबली, जिसको हम RP लिख लिए समांतर क्रम पैरेलल। S था सीरीज के लिए, RS मतलब सीरीज के लिए था, S फॉर सीरीज और P फॉर पैरेलल। अब बताइए बच्चों जब बैटरी वही है तो धारा वही जाएगा तो भी बराबर होगा IRP, लेकिन वहां I बढ़ रहा है, वहां पर विभव बढ़ रहा था अलग अलग विभवांतरों में V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट, लेकिन यहां धारा बढ़ रहा है तो धारा के रूप में हम लोग ला लेते हैं इसको। धारा बढ़ रहा है तो I बराबर V/RP, ध्यान दो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम साइड में लिख लेंगे अभी, समझो ध्यान से।
जैसे ही बैटरी जुड़ा है तो सभी के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा कि अलग अलग होगा, तो समान होगा, यानी सभी के सिरों के बीच विभवांतर समान इसलिए होगा क्योंकि सभी समानांतर क्रम में जुड़े हैं। और आगे घरेलू विद्युत परिपथ में समझाएंगे तुमको कि सभी घर में जितने सारे परिपथ जो होते हैं उपकरण जुड़े होते हैं समांतर क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने से बहुत दिक्कत है। पहला दिक्कत तुमको हम समझा देते हैं कि अगर एक बल्ब फ्यूज किया तो कनेक्शन टूट गया, अगला बल्ब नहीं जल पाएगा, अच्छा है तो भी नहीं जल पाएगा, लेकिन समानांतर क्रम में कोई दिक्कत नहीं बिंदास। एक बल्ब अगर फ्यूज भी किया तो दूसरा बल्ब जल रहा है, जल रहा है, नो टेंशन, फ्यूज कर गया हटाओ, जल रहा है फिर भी जल रहा है क्योंकि बैटरी का कनेक्शन है। अरे वाह, यही फायदा है बच्चों। और भी बता रहे हैं, अब ध्यान दो, जैसे ही समांतर क्रम में है तो सिरों के बीच विभवांतर समान होगा, क्लियर, सभी का वोल्टेज बराबर बराबर रहेगा समांतर क्रम में, वो भी फायदा हो गया। वाह रे वाह, क्या बात है, अरे विभवांतर समान मतलब वोल्टेज समान, ओके। अब देखो समांतर क्रम में विभवांतर समान दिमाग में सेट हो गया होगा, भी नियत, लेकिन आई अलग अलग, धारा गया सभी में बढ़ गया तो अलग अलग, वाह रे वाह क्या बात है। अब देखो वहां विभव भी बराबर भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री डॉट भी एन हो रहा था, यानी वहां भी बढ़ रहा था तो भी के रूप में छोड़ दिए थे, और यहां अब आई बढ़ रहा है बच्चों, आई तो आई के रूप में ला दिए, यानी काम देगा हमको अभी आगे आई बराबर भी बटा आरपी। आरपी जो है वो समतुल्य प्रतिरोध है, क्या है, समतुल्य प्रतिरोध, आरएस था श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, और ये है समानांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, ओके। आरपी जो है समानांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, क्लियर हो गया होगा। तो बताओ बच्चों, द बैटरी वही तो धारा वही, बैटरी वही तो धारा वही, तो भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर पी, तो आई से हमको जरूरत है, आई बराबर भी बाई आर पी, क्यों ऐसे जरूरत है, क्योंकि यहाँ आई बट रहा है वहां भी बट रहा था तो भी के रूप में छोड़ दिए थे। वाह रे वाह, अभी तुरंत और क्लियर होगा, देखो ना जल्दी कर इसको। अब देखो बच्चों, अब देखो कि यहां पर सब में भी विभवांतर समान है, समानांतर क्रम में जुड़ा है, तो ओम के नियम से चल दीजिए, भी बराबर आई वन आर वन, फिर भी बराबर आई टू आर टू, पहले के लिए भी बराबर आई वन आर वन, पहले प्रतिरोधक के लिए अब थ्योरी कैसे लिखेंगे जरा सोचो, आर वन कॉमा आर टू कॉमा आर थ्री डॉट आर एन, प्रतिरोध के प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में भी विभवांतर के बैटरी के साथ जोड़ा गया है, ओके, जिनसे प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः आई वन कॉमा आई टू कॉमा आई थ्री डॉट आई एन है तथा सभी के बीच विभवांतर समान है। आराम से थ्योरी लिख लेगा। अब देखो बच्चों, थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां से पहले प्रतिरोधक के लिए भी बराबर होगा आई वन आर वन, आई वन आर वन, तो आई वन बराबर हो जाएगा भी बटा आर वन, दूसरे प्रतिरोधक के लिए भी बराबर होगा आई टू आर टू, तो आई टू बराबर भी बटा आर टू, तीसरे के लिए हो जाएगा भी बराबर आई थ्री आर थ्री, तो आई थ्री बराबर हो जाएगा भी बटा आर थ्री, और डॉट डॉट एनवे के लिए होगा भी एन बराबर भी बराबर आई एन आर एन, तो आई एन बराबर हो जाएगा भी बटा आर एन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलो जल्दी बोलो, भी आई वन आर वन, तो आई वन बराबर भी बटा आर वन, भी आई टू आर टू, तो भी आई टू आर टू, आई टू बराबर भी बाई आर टू, उसी तरह से दोनों, क्लियर हो गया होगा। अरे बोलो, तो पहले हम एक बात जो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आता है तो उसका अनुपात निकाल लेते हैं धारा का, आई वन अनुपात, आई टू अनुपात, आई थ्री अनुपात, डॉट डॉट आई एन, ओके, क्या हो जाएगा, आई वन तो भी बाई आर वन अनुपात भी बाई आर टू अनुपात भी बाई आर थ्री डॉट डॉट अनुपात भी बाई आर एन, भी कॉमन है कट जाएगा, तो वन बाई आर वन अनुपात वन बाई आर टू अनुपात वन बाई आर थ्री अनुपात डॉट डॉट वन बाई आर एन। अब बोलो वन बाई आर एन बच्चों, डॉट डॉट वन बाई आर, क्लियर। अब ध्यान दीजिए वहां पर क्या आया था, आई नियत था तो भी समानुपाती आर था, आई नियत था तो भी समानुपाती आर था, लेकिन यहां पर भी नियत हो गया सब में, सब में क्या नियत है, भी नियत है, तो जब सब में भी नियत है बच्चों, तो ध्यान देने वाली बात है कि भी कट जाएगा सब में से कॉमन होके, तो
आई व्युत्क्रमानुपाती होगा आर का, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, अरे वाह प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, सोचने वाली बात है। भी नियत हो गया है सबके लिए समान है तो भी कुछ नियत मान लेंगे, तो प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, रुकावट ज्यादा धारा कम, अरे वाह। और सोचने वाली बात यह है कि सभी में धारा अलग अलग जा रही है, सभी प्रतिरोधकों से धारा का प्रवाह अलग अलग हो रहा है। तो बताओ बच्चों ये सब तो क्लियर हो गया होगा। एक का बात करें तो भी बराबर आई वन आर वन, तो आई वन बराबर भी बटा आर वन, एक से क्लियर हो गया होगा सब, उसी तरह से आया है। अब आई वन अनुपात आई टू अनुपात आई थ्री अनुपात डॉट डॉट आई एन अनुपात लेंगे तो भी सब में कॉमन है कट जाएगा, तो वन बाई आर वन अनुपात वन बाई आर टू अनुपात वन बाई आर थ्री अनुपात वन बाई आर एन, क्लियर। तो इस तरह से पता चला कि धारा जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती के अनुपात के बराबर है, क्लियर। तो जल्दी से लिखिए पहले यहां तक, जल्दी फास्ट फास्ट। अब देखो बच्चों ये तो चीज दिमाग में एकदम सेट ही रखना है ना। और अब देखो, अब यहां से I जो है वो बहुत सारे भागों में बढ़ रहा है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस, अब इसको तो मिटा सकते हैं, लिख लिया हो, प्लस डॉट डॉट आई एन। अब आई हम ला चुके थे भी बटा आर पी, जस्ट यहीं पे लाए थे बच्चों, याद करो वहां लिखे, देखो भी आई बराबर भी बटा आर पी, आई वन बराबर भी बटा आर वन प्लस आई टू भी बटा आर टू, आई थ्री भी बटा आर थ्री प्लस डॉट 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 आई एन भी बटा आर एन। बोलो अब देखो बच्चों भी कॉमन हो जाएगा कट जाएगा, जल्दी लिख लो पूरा और उधर मिटाते हैं जल्दी। अब देखो अब इससे क्या पता चला कि जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया भी कॉमन हुए कट जाएगा, भी इसमें से बाहर ले लेंगे, भी से भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा वन बाई आर पी बराबर वन बाई आर वन। चलो ना, अरे समझ गया होगा यार, भी कॉमन लेंगे तो वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस डॉट वन बाई आर एन बचेगा, भी कॉमन तो भी से भी कट जाएगा, तो वन बाई आर पी बराबर वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस डॉट डॉट वन बाई आर एन। अरे वाह क्या बात है। अब सभी प्रतिरोधकों का प्रतिरोध अगर समान रहेगा वो भी चलेंगे लेके, लेकिन एक बात सबसे पहले दो प्रतिरोधकों के लिए बहुत ज्यादा ये यूज में आता है बच्चों, इसीलिए अक्सर इसको दिमाग में सेट ही रखो, आर वन आर टू एलसीएम बस दो के लिए रहेगा तभी ये लगाना, तीन के लिए रहेगा तो बस डायरेक्ट वही लेके चलना वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा फिर लेनी हो जाएगा फॉर्मूला, दो के लिए याद रखना ज्यादा आसान है। तो आर वन आर टू एलसीएम हो गया, आर वन से आर वन कैंसिल आर टू प्लस आर टू से आर टू कैंसिल आर वन, तो आ गया आर पी बराबर आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, जब दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो आर एस बराबर होता था आर वन प्लस आर टू, श्रेणी क्रम में तो आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू, लेकिन समानांतर क्रम में तो आर पी बराबर आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, क्लियर। अब देखो जल्दी जल्दी, और अगर सभी प्रतिरोधकों का प्रतिरोध समान होगा तो क्या होगा बच्चों, सभी प्रतिरोधकों का प्रतिरोध अगर समान रहेगा तो 1 बाई आर पी बराबर 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस डॉट डॉट 1 बाई आर कहां तक, एन तक, क्योंकि पता नहीं चल रहा है एन तक लिखा हुआ था 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई आर एन, तब ना पता चल रहा था कि एन तक है, लेकिन इसे तो पता ही नहीं चल रहा है कि एन तक है तो लिख दिए एन तक। अब बताओ जब दो ठो जोड़ेंगे तो 2 बाई आर, तीन जोड़ेंगे तो 3 बाई आर, एन जोड़ेंगे तो एन बाई आर, तो बताइए बच्चों आर पी बराबर हो गया आर वाई और आर एस बराबर आया था एन आर, दोनों में संबंध भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है बच्चों, बहुत सारा। तो आर पी आया आर वाई एन कब, जब प्रतिरोधकों का प्रतिरोध समान हो तब, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इस पर, दिमाग में सेट रखना स्टार मार्क, इसमें तो डायरेक्ट जोड़ देंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें सोचना डायरेक्ट आर बाई एन आज यूज करेंगे इसका आज, देखना बच्चों। तो अब हम आर एस बटा आर पी अगर करें तो आर एस है एन आर और आर पी है आर बाई एन, आर से आर कट गया ऊपर गया एन स्क्वायर,
तो बताइए बच्चों आर बटा में वन लिख सकते हैं, तो आर एस अनुपात आर पी आया एन स्क्वायर अनुपात एक, और इसी को अगर पलट देंगे तो आरपी अनुपात आर एस एक अनुपात एन स्क्वायर। बोलो यार, अरे आर एस एन आर है, आरपी आर बाई एन है, एन ऊपर चला गया एन स्क्वायर बाई वन, क्लियर हुआ। अब देखिए तो क्या आ गया, आर एस अनुपात आरपी एन स्क्वायर अनुपात एक, और अगर उसको पलट देंगे तो आरपी बटा आर एस बराबर हो जाएगा एक बटा एन स्क्वायर, तो आरपी अनुपात आर एस बराबर एक अनुपात एन स्क्वायर। बोलो आरपी बटा आर एस बराबर एक बटा एन स्क्वायर, क्लियर। आर एस बटा आरपी तो एन स्क्वायर बटा वन, एन स्क्वायर अनुपात एक, लेकिन आरपी बटा आर एस एक बटा एन स्क्वायर यानी एक अनुपात एन स्क्वायर, क्लियर। तो जल्दी सुधारिए, तुरंत क्वेश्चन करते हैं जल्दी, और दो क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सिखाने जा रहे हैं तुमको। दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में लेंगे एकदम बेसिक, जिससे भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। ध्यान देना बच्चों कि श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधक को जोड़ेंगे तो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा प्रतिरोध आएगा समतुल्य का, लेकिन समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सबसे छोटे से भी छोटा आएगा। वाह, ये बहुत बड़ा बात है बच्चों, दो क्वेश्चन के माध्यम से सीखने जा रहे हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है ए और बी के बीच। क्वेश्चन है कि बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। मान लो ये एक ओम है, ये दो ओम है, ये तीन ओम है, तो आर एस बराबर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। वाह कितना आसान है सर, तो वन प्लस टू प्लस थ्री यानी सिक्स ओम। तो बताओ बच्चों तीनों में सबसे बड़ा कौन था, ये था तीनों, सबसे बड़ा से भी बड़ा आया। वाह, यानी आर एस बड़ा है तीन से, सबसे बड़ा से यानी छह बड़ा है तीन से, सही बात है। देखो आंसर आ गया, आंसर यही आ गया, लेकिन एक चीज हमको सीखने को मिला कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है तो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा प्रतिरोध आता है श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का। वाह, यानी जितने सारे प्रतिरोधक हैं उनका जो प्रतिरोध होगा उसमें सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा प्रतिरोध आएगा जब श्रेणी क्रम समूहन करेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का घेर होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन से एक और चीज क्लियर कर रहे हैं। मान लो ये है देखो बच्चों ये है छह ओम, तीन ओम और चार ओम, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तीन है, तो तीन से भी छोटा आएगा, इसमें सबसे बड़े से भी बड़ा आएगा समतुल्य और उसमें सबसे छोटे से भी छोटा आएगा समतुल्य। वाह यही तो बात है। तो बताओ बच्चों वन बाई आर पी बराबर वन बाई आर वन, क्वेश्चन भी बना रहे हैं चीज भी सीख रहे हैं, तो वन बाई आर पी बराबर वन बाई सिक्स प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर, तो आरपी बराबर कितना हो गया बाबू, कितना हो जाएगा एलसीएम, बारह, तो छह दूना बारह, थ्री फोर जा तीन चौका बारह, चार तिया बारह, वन बाई आरपी बराबर चार तीन सात दो नौ बटा बारह, यानी आरपी बराबर आ गया बारह बटा नौ, तीन चौका बारह, तीन तिया नौ, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, एक पॉइंट तीन तीन, यानी समतुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आया। ऐसा मैं प्रश्न भी बना लिए, दो कॉन्सेप्ट भी सीख लिए। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो समतुल्य आ गया छह ओम, चलो आंसर आगे आगे, लेकिन सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा आएगा समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का, ओके। लेकिन जब समानांतर क्रम में जुड़ा रहेगा तो कितना भी रहे तीन छह चार में सबसे छोटा तीन है तो उससे भी छोटा आएगा समानांतर क्रम में, ये बहुत बड़ा बात है। तो बताइए आंसर तो आ गया हम लोग का, उसमें एक चीज और सीख लिए कि सबसे छोटे से भी छोटा समांतर में समतुल्य और सबसे बड़ा से भी बड़ा श्रेणी में समतुल्य, सबसे बड़ा से भी बड़ा श्रेणी में समतुल्य, सबसे छोटा से भी छोटा समांतर में समतुल्य। सोल्व करके देख लो, वन बाई आर पी वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, वन बाई सिक्स, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, एलसीएम ले लिए बारह, छह दूना बारह, तीन चौका बारह, चार तिया बारह,
चार तीन सात और दो नौ बटा बारह पलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर ही नीचे आएगा, तीन तीन नौ तीन चौका बारह बोला। तो जल्दी उतार लो, जल्दी दो क्वेश्चन भी बना लिए हम लोग, चलते हैं। क्वेश्चन किस किस तरह का पूछ सकता है जल्दी। अब देखो बच्चों, ध्यान से बस देखते रहो अच्छे से, पूरा का पूरा बेसिक चल रहा है कॉन्सेप्ट, जो टेंथ के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध, दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात करें करें यदि, याद है ना बच्चों, दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध पूछ रहा है यदि इन्हें श्रेणी क्रम, इन्हें क्रमशः श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम क्रम समूहन करने पर प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 9 ओम तथा 2 ओम प्राप्त होता है। अच्छा, प्राप्त प्रतिरोध, प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध क्रम से इतना होता है। देखो बच्चों, वाह, नया क्वेश्चन बन गया। आराम से टेंथ के लिए भी एक क्वेश्चन कह सकते हैं, ट्वेल्थ के लिए भी कह सकते हैं, ट्वेल्थ बोर्ड के लिए कहिए, कंपटीशन के लिए ना कहें तो अच्छा है, इजी क्वेश्चन है। चलो देखो, कहा कि दो प्रतिरोधकों को श्रेणी को, दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात करें यदि इन्हें क्रमशः श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में समूहन करने पर प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 9 ओम तथा 2 ओम होता है। तो बताइए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, दो प्रतिरोधक हम मान लिए कि एक R1 है एक R2 है, दोनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 9 आता है ना, यानी श्रेणी क्रम के लिए प्रश्न में दिया है RS बराबर 9 ओम और RP बराबर दिया है 2 ओम। चलो 2 मान लिए, छोड़ छोड़ो, ऐसे क्वेश्चन में ही दिया है, बोलो बोलो जल्दी बोलो बच्चों, RS दिया है 9 ओम और RP दिया है 2 ओम, यानी जब श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध आएगा 9 ओम और समांतर क्रम में 2 ओम। तो पूछ रहा है कि दोनों प्रतिरोधकों का प्रतिरोध कितना होगा। वाह, सोचो, दो प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात करें यदि इन्हें श्रेणी क्रम तथा इन्हें क्रमशः श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में समूहन करने पर प्राप्त समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 9 ओम तथा 2 ओम, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 9 ओम, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 2 ओम, समतुल्य, श्रेणी क्रम में समतुल्य 9 ओम आ रहा है, समांतर क्रम में 2 ओम, क्लियर। अब देखो बच्चों, दोनों प्रतिरोधकों का प्रतिरोध हम मान लेते हैं R1 R2, तो RS बराबर होता है R1 प्लस R2, तो RS कितना दिया है 9, R1 प्लस R2, चलो इसको समीकरण एक मान लेते हैं, क्लियर। RS बराबर दो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन का सूत्र क्या होता है, RS बराबर R1 प्लस R2 होता है, और समांतर क्रम का सूत्र जो याद है RP बराबर, याद है दो प्रतिरोधकों के लिए आ गया यूज में, R1 R2 बटा में R1 प्लस R2, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, अब RP बताओ बच्चों, 2 दिया है, और R1 R2 बटा R1 प्लस R2 कितना आया है 9, यानी R1 इंटू R2 हमको मिल गया 18। तो चलो ये सब तो सोल्व करने तुमको आता है, 10th क्लास में बहुत ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है है ना, चाहे तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर निकालता था, चाहे ऐसे बनाता था, यह ज्यादा आसान रहता है। R2 बराबर 18 बटा R1, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताओ। श्रेणी क्रम के लिए RS बराबर R1 प्लस R2, RS बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम समूहन के लिए समतुल्य 9 है, समांतर के लिए 2 है। RP बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों R1 R2 बाय R1 प्लस R2, राइट। अब बताओ R1 R2 बाय R1 प्लस R2 का अगर हम बात करें तो RP दिया है 2, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 9 गुना 18, R2 निकल गया 18 बटा R1, क्लियर। अब बताओ इससे चल देते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो बच्चों,
R1 + R2 = 9, तो R1 + R2 18/R1 = 9, R1 LCM, तो R1² + 18 = 9, तो R1² + 18 = 9R1। तो आराम से सोल्व कर लोगे, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी फास्ट, एक बार में क्लियर हो गया होगा बच्चों। R1 + R2 का मान पुट कर दिए, R1 LCM लिए, तो R1² + 18, अब 9R1। वाह जल्दी, ये तो सिंपल लगा होगा एकदम। तो आज बेसिक ही चल रहा है क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे थोड़ा सा लास्ट में, है ना, अंत भला तो सब भला, आराम से लिख लिया होगा। अब देखो बच्चों यहाँ के बाद क्या है, तो है यो कि R1² - 9R1 + 18 = 0, तो 6 × 18 आ गया, R1² - 6R1 - 3R1, ये तो सिंपल एकदम फर्स्ट इनटू लास्ट है, तो R1 बाहर ले लेंगे, तो R1 - 6 - 3, R1 - 6 = 0, R1 - 6 और R1 - 3, तो R1 बारी बारी से जब इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, तो 6 और 3 आएगा, ओके। और R2 बराबर हमारा आया था 18/R1, तो 18/6 करेंगे तो 3 आएगा, यानी ये आ गया 6 ओम और 3 ओम, और अगर हम 18/3 करेंगे तो 6 आएगा, यानी जब R1 दो समूह बन गया, R1 R2 का समतुल्य, जब R1 6 तो R2 3, या R1 3 तो R2 6, कितना आसान लगा बोलो, लगा ना आसान बोलो, अरे बोलो सोल्व तो करने तुमको आता है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, 6 और 3 आ गया, 18/6 = 3 और 18/3 = 6, चलो ना R2 = लिख देते हैं, तो 18/3 = 6, चलो, तो जब 6 होगा तो 3 आएगा, जब R1 6 तो R2 3 और R1 3 तो R2 6, आंसर आ गया, देखो सामने है, क्लियर, जल्दी जल्दी उतारो बच्चा जल्दी। अब देखो, अब मान लो कि एक तार है जिसको हम वृत्त के रूप में मोड़ दिए, हाँ, और उसका प्रतिरोध है 3600, है ना, एक तार है, क्वेश्चन, एक तार है जिसका प्रतिरोध है 3600 और इसको हम वृत्त के रूप में मोड़ दिए, अब कह रहा है क्वेश्चन कि बिंदु ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना होगा, है ना, बिंदु ए और बी के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाबू, 60 डिग्री, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी, ये तार नहीं है बस ये बिंदु दर्शाए हैं, तार ये है और इसका प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध जो है वो कितना हो, 3600, तो R जो है वो बच्चों बताओ कितना ओम दिया है क्वेश्चन में, 3600, यानी कहने का मतलब ये 3600 का तार है, 3600 प्रतिरोध का एक तार है जिसको वृत्त रूप में मोड़ दिया गया है, तो बिंदु ए और बी के बीच में पूछ रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना फिर से, 3600 प्रतिरोध का एक तार है जिसे वृत्त रूप में मोड़ दिया गया है, तो बताना है कि बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, देखो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग, ध्यान दीजिए बच्चों, अच्छा पूरा कोण कितना बना रहा है ये तार, 360 डिग्री, तो जब 360 डिग्री बना रहा है तो उसका प्रतिरोध 3600 है, अरे वाह, अरे पूरे पूरे तार का प्रतिरोध कितना ओम है, 3600, तो जब पूरा वृत्त बना रहा है तो पूरे का प्रतिरोध कितना ओम, 3600, तो पूरे 360 डिग्री कोण वाला का 3600, तो 1 डिग्री कोण वाला का 36/360, हाँ, तो इसलिए कितना डिग्री वाला का, 60 डिग्री वाला का निकाल लेते हैं, तो 36/360 × 60, तो कितना गया, 6 × 36
6×6=36 और 6×6=36 6 यानी कितना, तो 6 ओम। अरे बोलो हाँ। और 300, अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका अगर 6 ओम हो गया, देखो बच्चों ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो यहाँ पे प्रतिरोध हो गया 6 ओम, तो 36 में से 6 गया तो 30 बच गया, तो ऊपर वाला का हो जाएगा 30 ओम। ए और बी, क्या बात है, क्या बात है, इसे समझो। अगर हम इस तार का प्रतिरोध का बात करें तो ये निकल जाएगा, तो ऊपर वाला भी निकल जाएगा। एक नियम से भी बना सकते हो कि 300 डिग्री के लिए, क्योंकि ये 60 है तो बाकी बचा 300, तो 300 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो 360/36 × 360 × 300 1036 यानी 30 आ गया। देखो बच्चों फिर से ध्यान दीजिए, पूरे का प्रतिरोध है 36 ओम पूरे का, तो 60 डिग्री वाला का कितना हो जाएगा, हाँ तो 60 डिग्री वाला का प्रतिरोध जो हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझो कि पूरे का प्रतिरोध अगर है या पूरा मतलब कितना, तो 360 डिग्री वाले का प्रतिरोध है कितना, 36 ओम, तो 1 डिग्री वाले का 36/360, तो 60 डिग्री वाले का प्रतिरोध कितना होगा, तो 6 ओम, तो 300 डिग्री वाले का कितना होगा, तो 30 ओम। क्यों, क्योंकि 36/360 × 300 कट गया 0 से 0, 36 से 36 30 ओम आ गया। ऐसे भी सोच सकते हो इसका अगर 6 आ गया, पूरा 36 है तो इसका 30 आ जाएगा, तो बताओ ऊपर वाला का 30 ओम और नीचे वाला का 6 ओम, वाह। और दोनों किस क्रम में जुड़ा है देख लो, तो दो निश्चित बिंदुओं के बीच समानांतर क्रम, दो निश्चित बिंदुओं के बीच समांतर क्रम, अरे वाह। तो बताओ बच्चों कि जब दो निश्चित बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है तो समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में दो प्रतिरोध अगर जुड़े हो, ध्यान देना 60 डिग्री के लिए 6 ओम और 300 डिग्री के लिए, क्योंकि बचा ये 300, तो 30 ओम। अब बताओ RP बराबर होगा R1 R2 / R1 + R2, तो 30 × 6/30 + 6, तो 30 × 6/30 × 6=36, 6×6=36, 6×5=30 यानी 5 ओम आ गया बच्चों, समतुल्य प्रतिरोध। देखा कैसे घुमा क्वेश्चन दिया, अब वो ऐसे 180 डिग्री पे पूछता तो आधा आधा हो जाता, ऐसे ही करके कुछ भी क्वेश्चन पे पूछ सकता है। 180 इसलिए नहीं दिए बच्चों, 180 देते तो आराम से सोच लेता आधा आधा तो हो जाएगा, 360 का आधा 180 तो आधा आधा हो जाता, इसीलिए थोड़ा सा अलग ढंग का बना दिए क्वेश्चन। अब यहाँ 30 डिग्री बना सकते हो, 20 डिग्री कुछ भी बना सकते हो, कोना, क्लियर। तो कहने का मतलब बच्चों कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें नीचे वाला का प्रतिरोध आ गया 6, ऊपर वाला का 30, समांतर क्रम में, दो निश्चित बिंदुओं के बीच, ऊपर नीचे समांतर क्रम में। जल्दी नेक्स्ट, आज हम बेसिक क्वेश्चन का बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। अगली लेक्चर में बहुत सारा टाइप हम लेके चलेंगे, तो देखा जाए। नेक्स्ट, बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखा जाए। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन एक आ गया, लास्ट में परिपथ वाला भी बताएंगे, धारा का प्रवाह भी, वहांतर, ये सभी। ये मान लो है कुछ इस तरह का, ऐसे क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं। ये मान लो है 2 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम। देखो ऐसे प्रश्न को हल करने का क्या तरीका होता है, ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन लेंगे और तुमको होमवर्क भी दे देंगे। हाँ, तो देखो बच्चों, ए और बी के बीच कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, बाद में पढ़ते हैं, पहले 2 ओम, 2 ओम, 6 ओम, बहुत अच्छा। अब बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, 3 ओम और 3 ओम, संधारित्र वाला लेक्चर अच्छे से अगर देखे हो तो अब जितना सारा क्वेश्चन बनाएंगे पानी पानी होगा, है ना। तो देखो बच्चों ध्यान देना, 3 और 3 दिखाई दे रहा है श्रेणी क्रम में है, 3 और 3 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो बताइए श्रेणी क्रम में, 3 और 3 श्रेणी क्रम में। चलो यहां दो बिंदु मान लेते हैं एम और एन, तो M और N के बीच 6 है, M और N, और फिर M और N के बीच 3 और 3 श्रेणी क्रम में 6 हो गया, RS = R1 + R2, 3 + 3 = 6 ओम,
क्लियर। अब बताओ एकदम आसान लगा होगा। अब बताओ बच्चों इसी क्वेश्चन को घुमा करके कैसे एक और क्वेश्चन देगा वो भी तुरंत लिखते हैं। जल्दी जल्दी बोलो क्लियर हुआ। श्रेणी क्रम 3 और 3 6 ओम। हाँ अब दोनों बताओ एम और एन के बीच 6 था, एम और एन के बीच 3 और 3 श्रेणी क्रम में 6 हो गया, अब एम और एन के बीच समांतर क्रम में दोनों है। वाह तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी 2 2। अब बताओ एम और एन के बीच 6 6 समांतर क्रम, तो जब समान रहता है तो आर बाई एन होता है। हाँ, तो दोनों से बना के दिखा रहे थे एक में बच्चों, आरपी बराबर R1 R2 / R1 + R2। जब अलग अलग रहे तब तो यही लेना है, समान रहे तो भी ये ले लो। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अलग अलग समान दोनों चलेगा, लेकिन आर बाई एन तब चलेगा जब समान रहेगा, तब आर बाई एन तुरंत समझाए हैं, आर बाई एन तुरंत यूज करेंगे क्वेश्चन में, सामने आ गया। तो बताओ बच्चों 6 × 6 / 6 + 6 = 36 / 6 = 12 तीन आ गया। और अगर आरपी बराबर आर बाई एन से भी बनाओ तो आर है 6 और एन संख्या कितना 2 तो 2 आ गया तीनों। दोनों से एक ही आया बच्चों बोलो, दोनों से तीनों ही आया। अरे बोलो 6 × 6 / 6 + 6 तीन आया, या फिर आर बाई एन, आर है 6 और एन है 2 संख्या 2 तो आर बाई एन तीनों, यानी कहने का मतलब कितना तो ये आ गया तीनों। तो बताइए अब तीनों किस क्रम में, पकड़ के सीधा कर दो, पकड़ के सीधा कर दो, तीनों श्रेणी क्रम में हो गया। तो बताइए बच्चों RS बराबर आ गया R1 + R2 + R3 2 + 3 + 2 3 × 5 = 7 ओम आंसर। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, एकदम सोचो और आंसर टिक मारो। श्रेणी क्रम में 3 3 6, समांतर क्रम में 6 6 3 आधा, 6 6 3 आधा, और श्रेणी क्रम में 2 और 3 5 और 2 7 आंसर आ गया। क्लियर चलिए चलते। और इसी क्वेश्चन को देखो, एक और क्वेश्चन बन गया ऐसे देखो, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों। हाँ और करके इसको ऐसे बना देते हैं, एकदम सेम क्वेश्चन देखना, कहोगे कि हाँ से एकदम सही हो रही है। 3 ओम 3 ओम 6 ओम ए बी राइट, ये 2 ओम 2 ओम 6 ओम हो गया। अब देखो यही सेम क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो 3 और 3 6 श्रेणी क्रम, 6 और 6 समांतर क्रम 3, तीनों श्रेणी क्रम 2 3 5 और 2 7 सेम क्वेश्चन का आंसर सामने। क्लियर तो बताओ बच्चों 3 3 6 6 6 3 3 और 4 7 3 3 6 6 6 3 बोलो और 3 2 और 2 सब श्रेणी क्रम है, सीधा कर दो ना, पकड़ के खींच दो ना, यानी ये क्वेश्चन एक ही है। जल्दी फास्ट, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी क्लियर करना है जल्दी, वो समझाएंगे, तुम्हारा होमवर्क रहेगा ना, जितना भी ज्यादा बड़ा से बड़ा रहे बच्चों वो क्वेश्चन उसपे जो आता है वो सब तुम बनाओगे। आज का क्वेश्चन इजी फॉर्मेट चल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब देखो ऐसा ही दे दिया, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा, देखो बच्चों यहां ए है यहां बी है, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। मान लो ये है, चलो वही क्वेश्चन ले लिए, 3 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम लो बन गया 3 3 श्रेणी क्रम 6 होगा, 6 6 समांतर क्रम 3 होगा, 3 3 श्रेणी क्रम 6 होगा, 6 6 समांतर क्रम 3 होगा, 3 3 श्रेणी क्रम 6 होगा, 6 6 समांतर क्रम 3 होगा, तुम बनाओ बन जाएगा। स्टेप वाइज लेके चलना, एक स्टेप को हम घटा रहे हैं, बाकी स्टेप तुम करना। देखो बच्चों मेहनत करो, ए बी ये 6 ओम है, अब बताइए 6 ओम है, ये 3 ओम है, चलो कुछ ऐसा है, देखो तो कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं बिंदु M, यहाँ N मान लेते हैं, आसानी होगा। अब देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, सो देखो यहां पर कुछ ऐसा है, देखो तो यहाँ पे N है, यहाँ पे M है, अच्छा ये 6
ये 3 6 3। देखो ध्यान देना बच्चों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए इसी क्वेश्चन को हम लोग इस रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा समझा दे रहे हैं, वो भी क्वेश्चन एक नया बन जाएगा। जल्दी से ध्यान देना, ध्यान देना। ए और एम के बीच दोनों श्रेणी क्रम में है, यहाँ पे एम है बी नहीं, बी तो यहाँ है बच्चों। तो ए और एम के बीच 6 है, अच्छा बात है, ए और एम के बीच 6 है, बाकी तो सब लिख दिया। देखो ए और बी के बीच 6 है, एन और बी के बीच 3 है, ए और एन के बीच 6 है, हाँ ए और एम के बीच 6 है, बहुत अच्छा। एम और एन के बीच 3 है, ये भी बहुत अच्छा। अब बताओ ए और एम के बीच 3 और 3 श्रेणी क्रम में 6 ओम, वाह, श्रेणी क्रम में आरएस, श्रेणी क्रम में आरएस बराबर क्या होगा, आर वन प्लस आर टू, यानी कितना 3 प्लस 3 बराबर 6 ओम। जल्दी बोलो, अब जल्दी से बताओ बच्चों कि ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम एकदम मिलेगा तुमको। हाँ, कि जब हम इसका बात करने जा रहे हैं तो ए और बी के बीच 6 है, बाकी सब नीचे तुमको दिखाया हुआ है, ए और एम के बीच 6, बहुत अच्छा, और ए और एम के बीच 3 और 3 श्रेणी क्रम में, तो 3 और 3 6 हो गया। देखो और अब बताओ 6 और 6 किस क्रम में, किस क्रम में, जल्दी बोलो। तो 6 और 6 समांतर क्रम में 3 हो जाएगा, और फिर 3 और 3 श्रेणी क्रम में 6 हो जाएगा, 6 और 6 समांतर क्रम में 3 हो जाएगा। अब तुम बनाओ, है ना। और यही क्वेश्चन को देखो बच्चों, लास्ट में आंसर पूरा बता देते हैं शॉर्ट में, लेकिन देखो यहाँ पे कैसे है, ए और बी के बीच देखो बच्चों, यहाँ पे ये 6 है ठीक है, और यहाँ 3, यहाँ 6, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 3 और 3, तो ये हो गया 6 ओम, 6 ओम 6 ओम, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। देखो बच्चों यही सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया, बन गया। अब देखो कहां कहां में माने हैं, ध्यान देना, ध्यान देना। यहां पर ए और बी के बीच सही है, ए और बी के बीच 6 है, और एम और एन कहां माने हैं, ए और एम के बीच, अच्छा ए और एम के बीच, ए ऊपर हो गया, ए यहां हो गया ना, ए सबसे जुड़ा हुआ है, यानी यहां जुड़ा हुआ है ये बच्चों, ये नीचे जुड़ा हुआ होगा, मतलब क्वेश्चन को सेम टू सेम बना रहे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम देख लो, देखो ये बिंदु शॉर्ट है, शॉर्ट शॉर्ट वाला अगले लेक्चर में क्वेश्चन चलेगा, लेकिन देखो ये सटा हुआ है इससे, सब सब शॉर्ट है, यानी इसके बीच कुछ नहीं, सब जुड़ा हुआ है, देखो सब बिंदु एक से जरा जुड़ा हुआ है, देखो। और बी वाला जो है, बी देखो, बी और एन के बीच एक जुड़ा हुआ है 3 ओम, और एम और एन के बीच एक जुड़ा हुआ है 3 ओम, देखो बन गया क्वेश्चन वही। अब देखो 3 और 3 श्रेणी क्रम 6, अरे बोलो 3 और 3 श्रेणी क्रम, और देखो 3 और 3 श्रेणी क्रम, तो एक बिंदु एम है और एक बिंदु ए है, तो एक बिंदु एम है और एक बिंदु ए है, ये ए तो सब ए होगा, जो अगले लेक्चर में शॉर्ट सर्किट में बताएंगे। अब बताओ बच्चों, जैसे ही 3-3 श्रेणी क्रम है तो 6 हुआ, 6-6 समांतर क्रम, देखो 3-3 श्रेणी क्रम उसके साथ 6 समांतर क्रम, तो 6 और 6 समांतर क्रम, फिर 6-6 3 हो गया, फिर 3 और 3 श्रेणी क्रम, फिर 6 और 6 समांतर क्रम, फिर 3 हो गया, फिर नहीं समझ रहे हैं, अरे ध्यान दो, लास्ट रिपीटेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। 3 और 3 6 श्रेणी क्रम, 6 और 6 समांतर क्रम 3, 3 और 3 श्रेणी क्रम 6, 6 और 6 समांतर क्रम 3, 3 और 3 श्रेणी क्रम 6, 6 और 6 समांतर क्रम 3, और यहां भी देखो 3-3-6 6-6-3 3-3-6 6-6-3 3-3-6 6-6-3 खत्म। अब आराम से तुम बना सकते हो, बस थोड़ा सा हिंट और दे रहे हैं, बस काम खत्म, बनाना तुम, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तुरंत। देखो बच्चों ध्यान देना, ये है ए और बी के बीच हमको निकालना है प्रतिरोध, जहां पे ए और बी के बीच 6 पहले से दिया हुआ है, ए एन के बीच 6 है, एन बी के बीच 3 है, ए एम के बीच 6 है, एम एन के बीच 3 है, लेकिन ए और एम के बीच 3 और 3 श्रेणी क्रम में 6 हो गया। अब एक स्टेप इसको घटाते हैं, उसके बाद तुम बनाना, जस्ट वैसे ही फिर चलना,
और एकदम आ जाएगा 100%। आंसर तो तीन आया, बता दिए, छह श्रेणी क्रम, तीन श्रेणी क्रम, छह श्रेणी, तीन श्रेणी क्रम, बोलो अरे तीन प्लस तीन श्रेणी क्रम छह आ गया, छह समांतर क्रम, छह बाई दो तीन, अरे बोलो छह समांतर क्रम, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, छत्तीस बटा छ बारह, बारह दिया छत्तीस, अरे जल्दी बोलो, छह तीन और तीन श्रेणी क्रम तो छह आया, और छह समानांतर क्रम तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 तीन आया, छह तीन, तो बताइए तीन तीन छह तीन, तीन तीन छह तीन, तीन तीन छह तीन, तीन आंसर आया, अरे वाह। अब देखो 6 ओम, अब बताओ बच्चों ये पहले से है, ये यहाँ पे 6 ओम है, ये 3 ओम है, राइट, ये यहां तक हो गया, ये एन है, देखो ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, हो गया। अब बताओ ये 3 है एम एन के बीच 3 ओम, और अब बताइए 6 समानांतर क्रम में 3 हो जाएगा, क्यों, तो आर बी बराबर 100 बताया, समान बताया तो आर वही है, 6 है संख्या 2 है तो 6 बटा 2 3, अरे 6 दूठो है तो संख्या 2 हो गया, और प्रतिरोध 6 है तो 6 बटा 2 3 हो, बोलो आर बटा एन, यानी आर बटा एन यानी 6 बटा 2, आर कितना है 6, संख्या कितना 1 2, तो 2 से भाग यानी 3 हो, तो 3 हो, इससे वही बात, 3 3 श्रेणी क्रम 6 और 6 समांतर क्रम 3, 3 3 श्रेणी क्रम 6, 6 समांतर क्रम 3, आंसर आ गया। ऐसे ही करके बनेगा, लंबा चौड़ा थोड़ा स्टेप जाएगा लेकिन आंसर आराम से आएगा। और डायरेक्ट अगर बनाना है तुमको तो देखो 3 3 6 6 3 3 3 6 6 3 3 3 6 6 3 आंसर। चलो जल्दी जल्दी, अभी एक से क्वेश्चन चलेगा बच्चों, आज तो बेसिक चल रहा है सर, इसको बेसिक कहो, बेसिक है ना, एकदम आसान वाला। अब देखो दोस्तों, अब थोड़ा सा उस तरह का क्वेश्चन का बात करने जा रहे हैं, है ना, जिसमें धारा का प्रवाह विभवांतर का ऐसा हम लोग निकालेंगे, क्रिचॉफ के नियम से बहुत अच्छे से आसानी से बनाएंगे, लेकिन अभी क्रिचॉफ के नियम को हम लोग मान लो नहीं जान रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस चित्र में क्या करना है हम लोगों को, चलो श्रेणी क्रम बड़ा आराम से, 10 वोल्ट का बैटरी है, मान लो ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, हाँ धारा निकालना है और दोनों के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, एकदम आसान है ना, एकदम आसान। और एक से एक क्वेश्चन बनाएंगे, अभी हम लोग ये मत सोचना कि आज का क्वेश्चन हो गया सर, तो धारा विभवांतर निकाल लिए, नहीं, एक से कभी आगे क्वेश्चन चलेगा बच्चों, तो देखो ध्यान देना, आज बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, बस इतना दिमाग में रखो। तो बताओ बच्चों, क्लियर हुआ, दोनों श्रेणी क्रम में है तो आर एस बराबर हो गया, आपको निकालना क्या है, तो धारा निकालना है, V1 निकालना है, इसके सिरों 2 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, और 3 ओम सिरों के बीच, 3 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, तो बताइए धारा V1 और V2, तो आर एस बताओ, R1 प्लस R2 होगा, R1 कितना 2, R2 कितना 3 2 5 ओम, राइट, तो RS निकल गया 5 ओम, और V बराबर क्या होगा उनके नियम से, IR, तो IRS, V बराबर IR, V कितना है टोटल 10 वोल्ट, तो बताइए V है 10, I नहीं पता, R है 5, 5 दूना 10, I बराबर 2 एम्पियर। अब ये मत सोचना कि सर कम प्रतिरोध में ज्यादा धारा और ज्यादा प्रतिरोध में कम धारा, ना बता चुके हैं शुरू में कि दोनों का समतुल्य लेंगे, क्योंकि बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो दोनों बल्ब एक साथ जलते हैं, यानी दोनों से धारा का प्रवाह जो होता है वो समतुल्य प्रतिरोध के कारण, समतुल्य प्रतिरोध है कितना 5, तो V बराबर IR, I बराबर 2 एम्पीयर। अब बताइए V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 तो IR1 I गुना 2 यानी 2 गुना 2 बराबर 4 वोल्ट, और V2 अगर निकालना है तो IR2, R2 मतलब 3, तो 2 गुना 3 बराबर 6 वोल्ट, सही बात है, हमारे पास 10 रुपया है तो हम एक ठो को 4 रुपया दिए, एक ठो को 6 रुपया दिए, सही बात है, हमारे पास 10 रुपया है, एक को 4 एक को 6 दिए तो 4 और 6 आया, सिंपल सी बात है, आई आराम से निकाल लोगे V बराबर IR से, V1 निकाल लोगे आराम से IR,
दो गुना दो आई, दो आया है दो गुना चार, ये टू निकाल लोगे आई आर तीन गुना छह। क्लियर? जल्दी। एक श्रेणी का कर दिए, एक समानांतर का कर देंगे, एक मिश्रित का कर देंगे, और अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। चलो तो जब समानांतर में चल ही रहे हैं तो AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन उठा लेते हैं, और IIT का भी आया हुआ है जस्ट इसी पे, तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है ना। देखो बच्चों ध्यान देना, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ट्रिपल ई वाला हम बनाते हैं, IIT वाला तुम बनाना, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, एक बैटरी था लगा हुआ 3 वोल्ट का, और पूछ रहा था कि कुल धारा आई जो होगा वो कितना होगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, आई बराबर वाट, आई बराबर वाट। ओके, अब देखो एक IIT में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था, जस्ट ऐसा ही था, ये था 30 ओम, ये था 30 ओम, ये था 30 ओम, बैटरी लगा हुआ था 2 वोल्ट का, पूछा था धारा कितना होगा। ये पहले पूछा था फिर ट्रिपल ई में थोड़ा सा उसको चेंज करके ऐसे पूछ दिया, सेम क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं, बोलो? लग रहा है। तो हम इसको बनाते हैं, तुम्हारा होमवर्क रहा है, ये IIT का क्वेश्चन है बच्चों, सर 97 में पूछा है, जब भी पूछे, ये ट्रिपल ई में है, कब पूछा है नहीं याद है ना। ओके, तो ये बनाते हैं और तुम बनाना है, हूबहू वही क्वेश्चन। ये दोनों श्रेणी क्रम दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों श्रेणी क्रम, धारा पूछता तो धारा भी हम निकाल लेते हैं, आराम से धारा निकाल लेंगे, अभी तुरंत अगले क्वेश्चन में लेके चलेंगे, श्रेणी समांतर उसमें दोनों मिक्स रहेगा। ओके, तो जैसे ही इसमें धारा, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा, डायरेक्ट सिर्फ कुल धारा पूछ दिया, आई बराबर वाट। तो बताइए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, जल्दी से उतारो, इसी में सोल्व कर लेते हैं जल्दी फास्ट। 3-3 श्रेणी क्रम में है, तो बताइए बच्चों 3 और 3 श्रेणी क्रम में है तो कुछ ऐसा होगा, 6 ओम होगा, RS बराबर R1 प्लस R2, 3 प्लस 3 बराबर 6 ओम, और ये दोनों समांतर क्रम में है तो RP बराबर R1 डैश कर देते हैं, R1 R2 मान लिया, R1 डैश R2 डैश बाई R1 डैश प्लस R2 डैश, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा, दो प्रतिरोधक अगर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2 डायरेक्ट, लेकिन समांतर क्रम में R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो बताइए बच्चों 3 गुना 6 बटा 3 प्लस 6 18/9 दो आ गया। अब बताइए भी बराबर आई आर, ये आर आ चुका है, भी बराबर आई आर आर, तो भी कितना 3, आई नहीं पता, आर 2, आई बराबर 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। आंसर पहला ही ऑप्शन था, ये नंबर 4 ऑप्शन रहेगा, आंसर मार दो बेटे बन जाएगा, वो तुम बनाना है, तुम खूब हो, इक्वेशन है कि नहीं है, ये समानांतर, ये श्रेणी दोनों, फिर समानांतर, फिर प्रतिरोध निकाल लेना, भी बराबर आई आर, आंसर आ जाए जल्दी जल्दी। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, देखिए बच्चों ये कैच W था, आज का लास्ट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे बनाएंगे सो देखो। अब सभी प्रतिरोधकों से धारा पूछ दिया, सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर पूछ दिया, तब कैसे बनाओगे बच्चों सो देखा जाए। प्लस माइनस, ओके, अब देखा जाए, यहां पे मान लो हम ले लेते हैं 20 वोल्ट, ये ले लेते हैं हम लोग 25, ऐसा लेते हैं कि सोल्व करने में आसानी हो, 12 और 6 कुछ आएगा बोलो, 12 गुना 6 बटा 12, 6 18 6 3 4 3 4 4, चार इसको कर देते हैं 6, चलो 6 4 10 हो जाएगा श्रेणी क्रम में, आसानी होगा सोल्व करने में। तो इससे पूछ रहा है आपको कि धारा I निकालिए, धारा आई जाएगा 2 भाग में बटेगा, I1 I2 निकालिए, और इसके सिरों के बीच विभवांतर होगा वो निकालिए। ओके, भी मान लेते हैं, भी डैश, इसको भी, और इसको कर लेते हैं भी डबल डैश, क्यों?
क्योंकि यहां दोनों के सिरों के बीच विभांतर वही होगा क्योंकि दोनों समानांतर क्रम में है। बोलो बोले हैं समांतर क्रम जब बता रहे थे तो श्रेणी क्रम में धारा समान बता चुके हैं, श्रेणी क्रम में धारा समान लेकिन समानांतर क्रम में विभवांतर समान। अभी निकाल के दिखा देंगे सॉल्व करके ना। ध्यान दो बच्चों जैसे ही समानांतर क्रम में होगा क्योंकि किरचॉफ लॉ से भी ये क्वेश्चन बनेगा लेकिन किरचॉफ लॉ भी आपको नहीं बताया गया है, आगे का टॉपिक पढ़ना किरचॉफ लॉ भी देर से। तो बताओ बच्चों ये जो बीस है तो बीस दो भाग में बटेगा, एक भी डैश में और भी डबल डैश में, क्योंकि ये दोनों समानांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में तो विभवांतर समान रहेगा। वाह रे वाह। तो चलो इसको हम किरचॉफ लॉ से भी बनाते हैं लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे जो टेंथ स्टाइल में हम लोग बनाते हैं वैसे। तो देखा जाए बच्चों ऐसे और ऐसे, चलो उसका समतुल्य ऐसा, यहां है भी डैश और यहां है भी डबल डैश, ये है बैटरी कितने वोल्ट का 20 वोल्ट का, ये है 6 ओम धारा आई, ओ कितना हो जाएगा बोलो, समानांतर क्रम में दोनों जुड़ा है तो आरपी बराबर आर वन आर टू 12 गुना 6 बटा 12 प्लस 6 तो वर्षक 72 बटा 12 6 18 74 चारो, यानी ये आ गया चारो, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब बताइए बच्चों जैसे ही हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो जैसे ही धारा का प्रवाह होगा तो अब तो दोनों में सेम होगा क्योंकि ये दोनों को हम समतुल्य बना लिए एक अकेला, बोलो जल्दी, ये दोनों को हम समतुल्य अकेला बना लिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों समानांतर क्रम में है, विभवांतर समान भी डबल डैश मान लिए और यहाँ भी डैश मान लिए। ओके अब देखिए श्रेणी क्रम में हो गया क्योंकि दोनों समानांतर क्रम में सोल्व कर लिए, 12 गुना 6 बटा 12 प्लस 6 वर्षक 72 बटा 12 6 18 18 74 4 आ गया, दोनों श्रेणी क्रम में है तो आर एस बराबर हो गया आर वन प्लस आर टू यानी 6 प्लस 4 यानी कितना 10। अब बताइए बच्चों भी बराबर आई आर होता है तो भी बराबर आई आर एस, तो भी 20 है 20 है और आई आर एस तो 10 है, आई आर एस 10 है तो आई कितना एम्पियर 2 एम्पियर, एनी डाउट एनी डाउट, क्लियर हुआ, धारा आ गया 2 एम्पियर। तो बताइए धारा 2 तो विभवांतर आई आर तो भी डैश कितना आ जाएगा आई गुना 6 तो आई है 2 6 गुना 12 वोल्ट, और भी डबल डैश कितना आ जाएगा आई आर, आई तो वही आएगा श्रेणी क्रम में अब दोनों है तो आई गुना आर, आर मतलब कितना आर मतलब कितना 4 तो 2 गुना 4 गुना 8 वोल्ट, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों धारा आ गया 2 एम्पियर, हाँ तो यहाँ भी विभवांतर आ गया 12 और यहाँ भी विभवांतर आ गया 8, सही बात है 12 और 8 कितना 20 आ गया, नहीं हो गया 20, बोलो 20 नहीं है, ध्यान से समझिए ध्यान से एकदम ध्यान से एकदम ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक से एक आराम से तुम बनाओगे। और ये तो अभी हम 10th स्टैंडर्ड का ज्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड का और 12th बोर्ड का चल रहा है लेकिन अभी एक से क्वेश्चन चलेगा, लेकिन ध्यान से देखो बच्चों कितना आसान लगेगा तुमको कि जैसे ही यहां से धारा का प्रवाह होगा तो यहां समानांतर क्रम को हमने समतुल्य बना लिया, 12 और 6 को समतुल्य बनाया तो 4 आ गया कोई दिक्कत नहीं, दोनों श्रेणी क्रम में है तो 6 प्लस 4 10 आ गया कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ भी बराबर होता है आई आर तो बताइए बच्चों भी बराबर आई आर तो भी 20 है आई आर 10 है तो आई 2 एम्पियर कोई दिक्कत नहीं, भी बराबर आई आर तो भी डैश बराबर आई आर मतलब क्या आई कितना 2 2 गुना 6 6 गुना 12 वोल्ट आ गया, और यहाँ पे अगर बात किया जाए भी डबल डैश तो आई गुना 4 यानी आई 2 है और गुना 4 गुना 8 यहाँ तक दिक्कत नहीं, यानी यहाँ पे आ गया भी डैश कितना बोलो बराबर 12 वोल्ट, धारा निकल चुका कुल धारा निकल चुका यानी कि 6 ओम से धारा का प्रवाह अगर पूछेगा ये धारा किस से तो 6 ओम से, 6 ओम से, और इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना तो 12 वोल्ट, ये काम खत्म हो गया, यानी सभी से प्रवाही धारा पूछ रहा था, यानी क्या क्या पूछ रहा था आई पूछ रहा था आई वन पूछ रहा था आई टू पूछ रहा था भी डैश पूछ रहा था भी डबल डैश पूछ रहा था, यानी क्या क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इससे प्रवाही धारा इससे और इससे, इससे तो निकाल लिया धारा, फिर पूछ रहा था इसके सिरों के बीच विभवांतर और इसके इसके सिरों के बीच विभवांतर, तो दोनों के सिरों के बीच विभवांतर तो सेम होगा क्यों क्योंकि दोनों समानांतर क्रम में है,
समझिए, अच्छे से समझिए बच्चों, ध्यान से एकदम समझो, आराम से यहाँ तक को सुन कर लिए। दोनों समानांतर क्रम क्लियर, उसके साथ श्रेणी क्रम ये भी क्लियर, बोलो। और भी बराबर आई आर, आर निकाल लिए 10 आया, श्रेणी क्रम 6+4=10, भी बराबर आई आर से आई निकाल लिए, तो 6 से प्रवाही धारा निकल चुका है, लेकिन इन दोनों से भी नहीं निकला है, वो भी निकालेंगे अभी तुरंत, देखो ना। और 6 के सिरों के बीच विभवांतर आ चुका है 12, धारा आ चुका है 2 एम्पियर, लेकिन आई वन आई टू अभी निकालना है, लेकिन इन दोनों के सिरों के बीच विभवांतर आ चुका है कितना, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट आ चुका है, कहां गया 8 वोल्ट, चलो जल्दी जल्दी। तो ये 6 ओम से धारा निकल गया है। अब देखिए बच्चों, अब भी डबल डैश आ चुका है 8 वोल्ट, ओके। अब कितना आसान है देखो, विभवांतर यानी अगर भी डैश 8 वोल्ट तो यहां भी 8 वोल्ट, इसके सिरों के बीच भी विभवांतर 8 वोल्ट और इसके सिरों के बीच भी विभवांतर 8 वोल्ट, भी डबल डैश बराबर 8 वोल्ट। बोलो समांतर क्रम में है तो समानांतर क्रम में दोनों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, समान होगा। समानांतर क्रम में दोनों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो बताइए बच्चों, जो भी विभवांतर इसके सिरों के बीच वही इसके सिरों के बीच, तो बताइए हो गया भी बराबर आई आर। अरे 8 भी डबल डैश है बच्चों, 8 क्या है तो भी डबल डैश है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी डैश तो 12 आया है और यहाँ सिरों के बीच विभवांतर समान होगा 8, तभी ना होगा 12 8 20 12 8 20, क्लियर। तो बताइए बच्चों, यहाँ भी विभवांतर समांतर क्रम में है तो दोनों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो बताइए भी बराबर आई आर, तो यहाँ अगर हम बात करें तो भी 8 बराबर I1 × 8, भी बराबर आई आर, तो आई वन आ गया कितना 8/12, 4 × 8 4 × 12 एम्पीयर आंसर। ये किससे आया, तो 12 ओम से। और अगर हम 6 ओम से निकाले, एक और 6 ओम से, नीचे वाले 6 ओम से आई टू निकालेंगे तो क्या जाएगा, तो भी बराबर आई आर, भी 8 है और आई है आई टू, आर है 6, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, आई टू बराबर आ गया 4/3 एम्पीयर। अरे बोलो, यानी कि यहां से भी बराबर आ गया आई आर, तो आई वन आ गया 8/12 2/3 और भी बराबर आई आर के नियम से, तो भी 8 है, आई आई टू है, आर 6 है, तो 4/3 आ गया। अब देखो ये दोनों को जोड़ो, आई जा रहा था वही ना दो भाग में बट रहा है, अरे बाबू बताओ आई ही ना दो भाग में बट रहा, आंसर आ गया है, लेकिन थोड़ा चेक करके दिखा देते हैं। आई वन भी आ गया, आई टू भी आ गया, आई टू किस से, तो नीचे वाले 6 ओम से, नीचे वाले 6 ओम से। अब तुम कहोगे सर चेक करके दिखा दीजिए, आई आया था 2 एम्पियर, याद करो आई जो आया है हमारा आंसर हो 2 एम्पियर आया है, तो जब 2 एम्पियर आया है तो देखो जोड़ते 2 एम्पियर आता है कि नहीं, आई वन है 2/3 और आई टू है 4/3, 3 LCM 2 और 4 6/3 2 एम्पियर आ गया बच्चों। चेक भी कर लिए कि हमने जो बनाया सोचा वो सही है, ओके। तो अच्छे से बनाइए, आज बेसिक क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगले दिन।